अब बोल मत। हेलो क्लास 10, आज आप लोगों के बीच मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो का जो लास्ट पोर्शन था उस पे आते हैं सबसे पहले। तो वो जो पोर्शन था वो क्या था, क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई लिखा हुआ था। अब पूछिएगा ये है क्या। तो क्यू का मतलब आपको बताया गया था कि प्रोड्यूस्ड चार्ज है ना, प्रोड्यूस्ड चार्ज यानी क्यू किसको शो करता है ना, चार्ज को जो प्रोड्यूस हुआ है। प्रोड्यूस चार्ज क्यों होता है, ये सवाल अगर आपसे कोई पूछ दे तो कैसे जवाब दीजिएगा, चार्ज क्यों होता है कोई ऑब्जेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण, जब उसको हम रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, पहले से उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिसके कारण वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन उससे बाहर जाता है तो उसमें प्रोटॉन की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, जिसलिए वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है ना वो कुछ हो जाता है, निगेटिवली चार्ज। समझ में आया बात? तो वही बात बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि क्यू बराबर हो जाएगा प्रोड्यूस चार्ज। अगर मान लीजिए आप निकालना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा चार्ज वो प्रोड्यूस किया, तो उसका वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, तो एन पर। एन मतलब क्या बताइए जल्दी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। एगो हुआ है तो कम चार्ज, दो गो हुआ है तो ज़्यादा चार्ज, तीन गो हुआ है तो और ज़्यादा चार्ज, 100 गो हुआ है तब कहने ना है, 1000 हुआ है तब सुनने नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा है कि नहीं। और इसमें जो ई है वो क्या है भाई, तो ई का मतलब हुआ 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है माइनस के फॉर्म में, है ना, माइनस के फॉर्म में 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है ना। अब एगो पर इतना हुआ, आ जयगो बढ़ाते आप जाइए, उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस चार्ज की मात्रा क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी। अब बोलेगा सर हाँ समझ में तो कुछ कुछ आ रहा है, इस पे प्रश्न बनेगा क्या? तो बिल्कुल बनेगा। इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी देवल रहेगा, एगो निकालने के लिए कह देगा तो ना निकाल लेंगे, आ एकरा नहीं देवल रहेगा तो ना चलेगा। ई बराबर तो मालूम है हमारा वैल्यू, कि वह −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, मालूम है ना, तो बस हो गया। और एन आपको निकालने के लिए कह देगा और क्यू देवल रहेगा, आना तो क्यू निकालना कहेगा, एन देवल रहेगा, बस यह है फेरा एकरा में। तो इस पर प्रश्न आ सकता है, थोड़ा सा बस रिवीजन कर लीजिएगा। लेकिन सबसे मोस्टली जो प्रश्न इस पर आता है चला, वो क्या आता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो प्रश्न पे आप ध्यान देंगे, ये आपको एशियन वाले बुक में भी है, ये आपको एनसीईआरटी में भी शायद मिलेगा। तो बस वही है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्या है, ये वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन कूलम्ब, एक कूलम्ब चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजिक्यूट कर सकता है, मतलब उसमें शामिल हो सकता है। वन कूलम्ब पे जितना चार्ज होता है ना, वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। और हम ये जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। अभी −19 कूलम्ब है तो ये बहुत छोटा ना है। जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो सिंपल सा बात है kg एकरा से 1000 गुना बड़ा है कि नहीं। और उसे ही कूलम्ब जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा उससे बहुत बड़ा है, तब नहीं माइनस में आ रहा है। समझाते हैं, 1 kg बराबर, हम इसको अगर हम kg के फॉर्म में अगर इसी चीज़ को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस के फॉर्म में दिखाना हो तो हम कैसे दिखा सकते हैं, कोई तरीका है दिखाने का? रुकिए एक और एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि 1 कूलम्ब जो है वो एक स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अमाउंट को डिनोट करता है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को डिनोट करता है, और उसका जो वैल्यू है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा ये बताना है आपको। यानी कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब, यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शामिल होगा। चलिए ये मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलिए ये समझा देते हैं इस वाले इक्वेशन के अनुसार। क्यू बराबर क्या है, एन इन टू ई। क्या क्वेश्चन है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में, तो क्यू मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूस चार्ज, तो यहाँ पे कितना चार्ज प्रोड्यूस करना है भाई, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एन हो जाएगा वैसे ही, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कितना, −19।
होता है ना। अब यह कह रहा है कि आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए, है ना, कि एक कूलम में कितना शामिल होगा, तो वन वही रह जाएगा और ये गुना में है तो क्या आ जाएगा, भागा में 1.6 × 10⁻¹⁹, और एन आपका निकल जाएगा यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान से, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे, तो बड़ा सिंपल सा बात है, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक ऊपर जीरो आ जाएगा यानी 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16। 16/10 लिखा जा सकता है इसको ना, देखिए तो ध्यान से, 16/10 है, 10 ऊपर चला जाएगा 16 नीचे आ जाएगा। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तब क्या करेंगे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में आपको बताया गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो हमेशा एक से बड़ा होता है, 10 से छोटा होता है। तो जब हम 16 में 10 से भाग करेंगे तो ये 0 point something आएगा, जो क्या हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा a × 10⁻¹ के फॉर्म में होता है, जहां पे a का वैल्यू जो है वो क्या होता है, एक से बड़ा होता है और 10 से क्या होता है, छोटा या बराबर भी हो सकता है। तो यहां पर जब जैसे ही 10 से भाग करेगा 16 में 0 something आएगा जो एक से छोटा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ाएंगे, और एक जीरो एक कौन देगा फिर, ये 19 वाला, तो बचा इसके पास बताओ क्या, 18 × 10⁻¹ क्या बचा, 18, ये 19 नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और उसी में से 10 ले लिया है, इसके पास 19 था, एक ले लिया, 18 बच गया, 100 ले लिया। अब 16 में अगर हम 100 से भागा करेंगे तो क्या आएगा, 16 × 96 और 0.25 × 10⁻¹⁸, ये हो जाएगा, ठीक है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6.25 × 10⁻¹⁸, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज और इतना इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 कूलम्ब। यानी हम यहां कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कूलम्ब जो होगा वो इक्वेलेंट होगा, यानी इक्वल होगा किसके, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन के, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻¹⁹ है, आ 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, तब जाके मिल के 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इतना वैल्यू देगा वो, यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इतना बड़का है, 1000 ग्राम मिल करके ना 1 kg के बराबर हो रहा है, इतना बड़का है 1 kg, मिली ग्राम में जाइएगा तो और बड़का हो जाएगा 1 kg ओकरा से। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि 1 कूलम्ब मान लीजिए, ऐसे मत समझिए, ऐसे समझिए कि जैसे 1 kg है ना, 1 कूलम्ब मान लीजिए, और यहाँ 1000 ग्राम है ना, तो वहाँ मान लीजिए 6.25 × 10⁻¹⁸, कहानी समझ में आ रही है, 6.25 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन पर जितना मैग्नीट्यूड होगा, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, वो इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, 1 कूलम्ब के बराबर। ये प्रश्न आपका आता है, यही पूछेगा आपसे, है ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शामिल होगा, है ना, ये आपको प्रश्न पूछा जाता है। चलिए इतना तो समझ में आ गया, ये हमने जान लिया कि क्यू मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस चार्ज, क्यों प्रोड्यूस होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, और ये मतलब क्या कि इस पे जो चार्ज होगा 1.6 × 10⁻¹⁹ नेगेटिव, है ना, इस पे प्रश्न कैसा आएगा मैंने आपको बता ही दिया, एक प्रश्न ऐसा आएगा डायरेक्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब, तो इस पर हम आधारित बना सकते हैं, और ये वैल्यू आपको दिमाग में आ जाएगा, एक दो बार बनाइएगा, बस इतना ही इसमें काम है। हमने ये जान लिया कि 1 कूलम्ब जो होता है उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना शामिल हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना शामिल हो जाएगा, तो ये हमने जान लिया, ठीक है। तो अब हम जानने वाले हैं कि अगर 2 चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, इलेक्ट्रॉन किसी के पास गया तो निगेटिवली चार्ज हो गया, और जिससे बाहर निकला वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो मान लीजिए 2 गो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए 2 गो ऑब्जेक्ट है, चलिए इस पर बात करते हैं, देखिए कहानी क्या है कि मान लीजिए कि 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों चार्ज हैं, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितना चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, Q1, और दूसरा जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है भाई, Q2। क्यू कैसे निकलता है आपको मालूम चल गया है, क्यू बराबर क्या, N × E, है ना। तो मान लीजिए इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफर हुआ और इसने ग्रहण किया, है ना, तो ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया। अब ये दोनों चार्ज है, अब इन दोनों को आसपास लेके आएंगे, तो अगर ये दोनों एक जैसे होंगे तो एक दूसरे को रिपील करेंगे, और अगर ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, खिलाफ होंगे, है ना, दोनों अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे, बताया गया था ना कि सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करता है, एक जैसा चार्ज रिपील करता है। तो सपोज मान लीजिए कि ये दोनों चार्ज है,
है ना, एक का मैग्नीट्यूड क्यू वन है और एक क्यू टू है। कैसे निकलता है, क्यू बराबर क्या, एन इंटू ई, क्यू बराबर क्या, एन इंटू ई, एन मतलब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मैंने क्या चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, और क्यू मैंने क्या प्रोड्यूस्ड चार्ज। तो देखो क्यू और क्यू टू समझ में आ गया, ये मैग्नीट्यूड बताता है किसका, प्रोड्यूस चार्ज का, और वो कैसे निकलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक, तो ये Q1 Q2 है और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, सपोज नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लेंगे यार, दो ऑब्जेक्ट है दोनों चार्ज है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है R है। कहानी समझ में आ रही है, इसको देखने से आपको थोड़ा सा ग्रेविटेशन फोर्स वाला याद आ रहा होगा, है ना। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स में एक खासियत होती थी कि उसमें सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स लगता था, हाँ है ना, और इसमें दोनों लगता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सर दोनों लगता है, यही खासियत है। उसमें क्या लगता था भाई, उसमें सिर्फ अट्रैक्शन लगता था ग्रेविटेशन फोर्स में, और इसमें दोनों लगता है। ठीक है, तो ये कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम जानने वाले हैं, इसको हम क्या बोलेंगे अभी जो जानने वाले हैं, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना, कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हमें ये बताएगा कि अगर दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं या दो चार्जेज अगर हैं Q1 एंड Q2, अगर उनके बीच में R डिस्टेंस है तो इसके बीच में फोर्स लगेगा ना, दोनों चार्ज वो है तो फोर्स लगेगा। अभी बताया गया है अट्रैक्टर अट्रैक्शन फोर्स लगता है अगर सेम नहीं रहेंगे तो, और रिपल्सन लगता है जब दोनों अनलाइक रहते हैं तो। लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा ये बात पर डिपेंड करता है, किस बात पर डिपेंड करता है भाई, तो वही बताया गया है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स चचा, मतलब कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या बताया गया है कि इफ टू चार्जेस, मान लो कि दो चार्जेस है, कौन बताओ जल्दी, Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ R, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बताओ जल्दी अट्रैक्शन ही सिर्फ लगता है नहीं ना, तो रिपल्सन इज वो किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए भैया वही है ग्रेविटेशन फोर्स वाला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर प्रोडक्ट ऑफ, उसमें मासेज होता था, इसमें क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ, है ना, दियर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। एंड इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लीजिए बस, जिसको याद होगा ना वो क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन लॉ, ये याद हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए ये सेम है ना ग्रेविटेशन फोर्स वाला है, जस्ट है कि नहीं, दो चार्ज ऑब्जेक्ट Q1 एंड Q2 अगर उसको r डिस्टेंस पे अगर रखा गया है तो उसके बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन सवाल ही दोनों का है, क्योंकि भाई बता है ना कि दो को सिमिलर रहेगा तो रिपील करेगा एक दूसरे को, अगर दोनों सेम रहेगा तो रिपील करेगा, दोनों अलग अलग रहेगा तो क्या होगा अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में ये चीज आया, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, है ना, तो वो जो फोर्स लगेगा वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की दूरी का क्या होगा इनवर्सली, है ना, यानी जैसे जैसे मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे Q1 और Q2 के वैल्यू के बढ़ाओगे वैसे वैसे उसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा बढ़ेगा, और उसके बीच के डिस्टेंस को अगर क्या करोगे बढ़ाओगे तो वो जो फोर्स वाला वैल्यू है वो क्या होगा घटेगा। कहानी यही है, चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा और है बाकी, देखते हैं इसको और समझते हैं। देखिए कहानी क्या है, ये जो मैंने अभी सेंटेंस लिखा है ना बस इसको मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि दो चार्जेज हैं तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके मैग्नीट्यूड के, किसके मैग्नीट्यूड के, चार्जेस के मैग्नीट्यूड को, जिसको डिनोट किया जाता है किससे, क्यू वन एंड क्यू टू से। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वन एंड क्यू टू, यानी इन दोनों में से कोई भी एक बढ़ेगा तो एफ का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, ये इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है बताओ जल्दी, एफ जो होगा वो इनवर्सली होगा किसके, दोनों के बीच के डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस हमने क्या लिया था, आर लिया था याद होगा, उसके स्क्वायर का। और ये जस्ट ग्रेविटेशन लॉ वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर वो याद है ना, मैं अपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड, यहां पे बांध लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. क्या होगा भैया, ये भी एफ है, ये भी एफ है, एफ कॉमन हो जाएगा और ये वाला साइन Q1 Q2 ऊपर हो जाएगा और आर स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी ये दोनों को शामिल कर दो ये आ जाएगा, यानी ये वाला जो इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को शो कर देगा. आप ध्यान से देखो, कोई गलत नहीं बोलेगा आपको, है ना, Q1 Q2 ऊपर रहेगा और आर स्क्वायर नीचे. हम बोल सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दियर प्रोडक्ट ऑफ दियर मैग्नीट्यूड और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दियर डिस्टेंस. बिल्कुल इस सेंटेंस को भी मतलब इस इक्वेशन को भी देख करके हम वही बतवा बोलेंगे, यानी दोनों मिक्स होकर के यहाँ पे आ गया है. अरे आया है कि नहीं, उसमें हम लोग कांस्टेंट लेते थे तो एकरो में कांस्टेंट लेंगे. देखिए भैया एफ है, ये वाला इक्वल हो जाता है, फिर ये आ जाता है क्या बताइए जल्दी, इसके बीच कांस्टेंट कौन लिया जाता है, के एकरा कहा जाता है कूलम्स कांस्टेंट. कूलम दादा जे मतलब कूलम्ब चचा जो थे उन्होंने ये वैल्यू दिया था एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके, है ना. इसके बारे में और बढ़िया तरीके से आगे क्लास में जानना है, लेकिन अभी तत्काल में जहाँ बता दे रहा हूँ, के कांस्टेंट लिया जाता है, इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट कहा जाता है, के हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है Q1, यहाँ पे Q2 और ये क्या हो जाता है आर स्क्वायर. ठीक है, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर. अब यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चन आता है, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या होगा, के का वैल्यू पूछ देगा. के माने क्या बताओ जल्दी, इसको क्या बोला जाता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट. क्या बोला जाता है इसको, कूलम्ब्स कांस्टेंट. और जी जो होता था कैपिटल जी, उसको कुछ बोला जाता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे इसको कूलम्ब्स कांस्टेंट कहा जाता है. और इसका जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, तो 9 × बताइए जल्दी, 9 × कितना, 10⁻⁶ किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹ के बराबर होता है इतना. ये के का वैल्यू जो होगा वो 9 × 10⁹ के बराबर होगा, ये वैल्यू आएगा. के का वैल्यू जो है वो 9 × 10⁹ होगा, है ना. वहाँ पे 6.67 × 10⁻¹ⁱ होता था और यहाँ पे के का वैल्यू 9 × 10⁹ होगा, ये समझना है. अब थोड़ा सा यही है कि अब हम यहाँ पर के का वैल्यू लिख रहे हैं, वहाँ पे हम तो जी का यूनिट लिख लेते थे. अब यहाँ पे कभी कभी पूछ देगा ना कि आप बताइए यूनिट ऑफ कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट का आपसे यूनिट पूछ देगा, कूलम्ब्स कांस्टेंट का आप यूनिट बताइए क्या होगा, बताइए भैया क्या होगा कूलम्ब्स कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा. तो देखिए यहाँ पे कैसे निकलेगा, एफ इज इक्वल टू के है, Q1 Q2 वैसे ही रह जाएगा, आर स्क्वायर वैसे ही छोड़ दो, एफ यहाँ पे रहेगा, आर स्क्वायर इधर है तो ऊपर चल जाएगा, बोलिए हाँ या ना, और Q1 Q2 को वहाँ से नीचे लेके आ जाओ और ये आ जाएगा के. आ गया यूनिट, अब बैठाओ. एफ का मतलब होता है न्यूटन, आर का होगा मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आर माने डिस्टेंस है ना, तो मीटर स्क्वायर. Q1 Q2 को होता है चार्ज, चार्ज का क्या होता है सी, तो सी का स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो गया के का यूनिट, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम्ब स्क्वायर किसका होता है यूनिट, के का, यानी कूलम्ब्स कांस्टेंट का. ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, और पूछेगा तो नहीं बता देंगे, बताइए ना फटाक से. एफ का वैल्यू के Q1 Q2 बट आर स्क्वायर, के निकालना है, एफ इधर है, आर स्क्वायर इधर गुना में है, Q1 Q2 उधर जो गुना में है इधर कोची में आ जाएगा भागा में, और उसके अनुसार फिर हम पुट करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे. अब यहाँ जो वैल्यू आया है के का 9 × 10⁹, एक जगह पे आप ई यूनिट लगा सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर और सी स्क्वायर, अब कोई दिक्कत नहीं है ना. तो इस पे दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, के का वैल्यू भी पूछ सकता है कितना होता है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, कूलम्ब्स लॉ ही पूछा जाएगा डायरेक्ट, इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बनवा देंगे अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछ दिया तो, कोई दिक्कत नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, है ना. और आगे आपसे पूछा जाएगा क्या, यूनिट बताइए कूलम्ब्स कांस्टेंट का, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है, अब बढ़ते